हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 पे स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि बायोलॉजी से कुछ चैप्टर से लिए गए हैं, जो कि आपके कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सभी का आंसर क्या है। इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, अन्यथा आपकी जो मर्जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर एक लिखा हुआ है कि मनुष्य में उत्फर्जी अंग है। मनुष्य में उत्फर्जी अंग कौन सा होता है? त्वचा, फेफड़े, आहार नाल या फिर ब्रक। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप लोग का आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा क्या होती है? मुख्य उत्फर्जी अंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, यकृत, सिर या फिर पैर। ठीक है, तो जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो क्या होता है? त्वचा होता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं कि प्लूरा एक द्विस्तरीय झिल्ली है जो कि आवृत होती है, यानी आवरण होती है। जो आवरण होती है किसका? ब्रेक का आवरण होती है, मस्तिष्क का या हृदय का या फुफ्फुसों का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो प्लूरा होती है वो फुफ्फुसों का आवरण होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फुफ्फुसों में कोशिकाओं की संख्या होती है कितनी होती है? 30,000, 30 लाख, 3 करोड़ या 30 करोड़। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो 30 करोड़, फुफ्फुसों की संख्या कितनी होती है? फुफ्फुसों में कोशिकाओं की संख्या 30 करोड़ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मनुष्य में सांस लेने की दर होती है लगभग कितना होता है? कि 18 बार प्रति मिनट, 18 बार प्रति सेकंड, 25 बार प्रति मिनट या फिर 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, तो बहुत लोग के मन में ये आया होगा कि 72 बार प्रति मिनट, तो एकदम गलत है। ठीक है, एकदम गलत है। ये देखिए, ये क्या होती है? दिल की धड़कन होती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 बार प्रति मिनट, यानी एक मिनट में 18 बार मनुष्य सांस लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फुफ्फों में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर युक्त रुधिर आता है, कहाँ से आता है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है शरीर के विभिन्न अंगों से। ठीक है, अगला अब देखिए इसमें और ऑप्शन देख लीजिए, शरीर के विभिन्न अंगों से आता है या फिर हृदय के दाएं नीले से आता है, हृदय के दाहिने नीले से आता है या फिर बाएं नीले से आता है या फिर यकृत से आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हृदय के दाहिने नीले से आता है। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? दाहिने नीले से आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है, कौन लेके जाती है? फुफ्फुस धमनी बाएं आलिंद को या फुफ्फुस सिरा दाहिने आलिंद को या फुफ्फुस सिरा बाएं आलिंद को या फुफ्फुस धमनी दाहिने आलिंद को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुस सिरा दाएं आलिंद को लेकर के जाती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है हरे पौधों के हरे रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में, पीले रंग के प्रकाश में या फिर नीले रंग के प्रकाश में। तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। ठीक है, क्या होती है? अधिकतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च नीला रंग उत्पन्न करता है ब्रोमीन जल में, परमैंगनेट जल में, आयोडीन विलयन में या अम्ली विलयन में। तो जो स्टार्च होता है वह नीला रंग जो है उत्पन्न करता है आयोडीन विलयन में। किस विलयन में? आयोडीन विलयन में। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा संचित होती है किसके रूप में? एडीपी के रूप में या एटीपी के रूप में या एनएडीपी के रूप में या पीआई के रूप में। तो जो श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा होती है वह एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि आक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है एटीपी के कितने अणु? ये हमने बताया था, इम्पॉर्टेंट है। तो एटीपी के 38 अणु, ठीक है, एटीपी के 38 अणु को उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो जो श्वसन है उसमें कितना हो जाएगा प्रतिशत?
17%, 21%, 11% या फिर 25%। यदि आंसर आता है तो आंसर करिए, नहीं तो आंसर इसका हो जाएगा 17%। ठीक है, यदि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है तो आंसर कर सकते हैं कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। लिखा है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%, 0.04%, 4%, 2.4%। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4%। ठीक है, कितनी होती है? 4% होती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है क्या होता है? कोशिकाओं का निर्माण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का ऑक्सीकरण। तो याद रखना, श्वसन क्रिया का काम होता है जलाने का काम, तो निर्माण करने का काम नहीं होगा, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का काम करता है। ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का काम करता है। प्रश्न संख्या अगला देख लें कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से या पर्णहरित से? तो बताना है आप सभी को कहां से निकलती है। ठीक है, तो कहां से निकलती है? जल से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, राइबोसोम में या फिर माइटोकांड्रिया में? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग बताइए क्या होता है। मैंने आपको समझाया है तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। अगला है कि अनाक्षी श्वसन में बनता है एथिल अल्कोहल, एथिलीन, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो अनाक्षी श्वसन में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखा है कि पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? ठीक है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, किण्वन। ठीक है, लिखा है कि पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या किण्वन? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सी श्वसन में, अनाक्षी श्वसन में या उत्सर्जन में? तो आपको बताना है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन निकलती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को कौन कौन सी रुधिर कणिकाएं नष्ट करने का काम करती हैं? तो हमने क्या बताया था आपको? श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या बताया था? श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 20%, 40%, 60% या फिर 80%? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60%। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता है, यह कथन है। किसका? लैंड स्टीनर का है या स्टेफन हेल का है या फिर वाटफन का है क्या मेंडल का है? तो प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जो कोई भी मनुष्य है अपना रक्त तो सीधे नहीं दे सकता है, जांच करा के दे सकता है। ठीक है, यानी वही ग्रुप का हो तभी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है क्या है? प्रजनन में सहायता करना, रुधिर को रंगहीन करना, और क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करना, ऑक्सीजन का परिवहन। तो ये तीनों हैं, ये सभी गलत हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि यकृत संश्लेषण करता है क्या करता है? शर्करा, रक्त, यूरिया या फिर प्रोटीन? यकृत किसका संश्लेषण करता है? ठीक है, तो यकृत जो होता है वो यूरिया का संश्लेषण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वृक्क का कार्य है क्या है? श्वसन करना, परिवहन करना, उत्सर्जन करना या पाचन करना? तो जो वृक्क होती है इसका काम क्या होता है? उत्सर्जन करना। ठीक है, इसका काम क्या होता है? उत्सर्जन करने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रक्त शुद्ध रक्त किसमें बहता है? फुफ्फुस धमनियों में, पश्च महाशिरा में, अग्र महाशिरा में या फुफ्फुस शिरा में? किसमें बहता है? तो आप लोग को हमने बताया था किसमें बहेगा?
फुफ्फुस शिरा में बहेगा, शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा में बहता है, ठीक है, शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, फुफ्फुस शिरा में। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है सोडियम क्लोराइड, थ्रोम्बियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रुधिर दाब मापक है किसका, थर्मामीटर, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर या स्फेगनोमैनोमीटर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फेगोमैनोमीटर, ये इसका रुधिर दाब का मात्रक होता है, नापने का इकाई होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या फिर वृद्धि में, तो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है कहाँ, बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, बाएं नीले में या फिर दाएं नीले में, तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है, कहाँ पर आता है, बाएं आलिंद में आता है। क्वेश्चन अगला है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन ले जाती है, सिराएं, महाधमनी, दाया नीले या महाधमनी या महाशिरा, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो महाधमनी, ठीक है, महाधमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फुफ्फुस शिरा खुलती है कहाँ, खुलती है दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दाएं नीले में, बाएं नीले में, तो फुफ्फुस शिरा कहाँ खुलती है बताइए, किसी को मालूम है बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं आलिंद में, क्या हो जाएगा, बाएं आलिंद में इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि रक्त में ऑक्सीजन की कला से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है, ठीक है, रक्त कोशिका रक्तल्पता, हीमोफीलिया, वर्णधता, ये इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया, खून की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है। ऑक्सीजन की कला से लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न नहीं होंगी तो हमें कौन सा रोग होगा, हीमोफीलिया नामक रोग हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, चलिए लिखा है कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, नंबर एक अग्र मस्तिष्क के मेडुला द्वारा, नंबर दो मध्य मस्तिष्क के मेडुला द्वारा, नंबर तीन पश्च मस्तिष्क के मेडुला द्वारा, नंबर चार मेरुरज्जू के मेडुला द्वारा, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क के मेडुला द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के मार्ग में, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसानुवर्तन और जलानुवर्तन, ठीक है, तो सूर्य के मार्ग के कारण सूरज की जो गति होती है वो प्रकाशानुवर्तन होती है, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है क्या है, अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, अनु मस्तिष्क है या फिर पश्चिम मस्तिष्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, सोचने का काम करता है, ठीक है। अगला है कि सूंघने, सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत क्षेत्र है क्या है, अग्र मस्तिष्क, मडुला, अनु मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर लिख के भेजें अच्छा लगा। चलिए अगला है कि कौन सा हार्मोन शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है, एड्रिनलिन, एनुलिन, सॉरी एंसुलिन, मेटाटोनिन या फिर थायमोलिन, मोसिन, ठीक है, कौन सा हार्मोन है बताइए, इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनलिन, हार्मोन जो होता है वह शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है, मडुला से निकलती है या पश्चिम मस्तिष्क से निकलती है या प्रमस्तिष्क से निकलती है, अग्र मस्तिष्क से निकलती है या फिर अनुमस्तिष्क से निकलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मेरुरज्जु होती है वो मेडुला से निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, मेडुला से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का, ठीक है सॉरी प्ररोह का प्रकाश की ओर गति क्या कहलाती है, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन, रसानुवर्तन, जलानुवर्तन, प्रकुंचानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पराग नलिका, पराग नलियों की अंडाणु की तरह वृद्धि किसके कारण होती है, जलानुवर्तन,
रसोनुवर्तन या फिर गुत्तानुवर्तन या प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश सॉरी पराग नलियों की अंडाणु की ओर गति यानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो रसानुवर्तन, रस के कारण ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रसोनुवर्तन हो जाएगा। आगे कि बौनेपन का क्या कारण है, एड्रेनलिन के स्राव की कमी, वृद्धि हार्मोन के स्राव की अधिकता, वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी, इंसुलिन की अधिकता। तो बौनेपन का क्या कारण होता है, ठीक है। तो बौनेपन का कारण होता है वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी, ठीक है, बौनेपन का कारण होता है। चलिए अगला है कि एक तंत्रिका कोशिका का एक्सान अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइटो के समीप होता है, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं की इस संधि को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, संवेदी तंत्रिका तंत्रिकाएं कहते हैं, मिश्रित तंत्रिकाएं कहते हैं या प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। तो हमने आपको बताया था सिनेप्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिनेप्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से फाइटोक्रोम कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, ऑक्सीक्रोम है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है या सभी होते हैं। तो फाइटोक्रोम जो होता है वो तीनों होते हैं, जो ऑक्सीन, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन सब होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग है, ठीक है, तो प्रमस्तिष्क या फिर अनुमस्तिष्क या मडुला, ये सभी, तो क्या होता है, ये सभी मस्तिष्क के भाग होते हैं, यानी सभी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि छुई मुई के पौधे में किस प्रकार की गति होती है, रासायनिक गति, तंत्रिका गति, पेशीय गति या ये सभी गतियां होती हैं। तो छुई मुई का जो पौधा होता है उसमें रासायनिक गति होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देती है, ठीक है, छुई मुई, तंत्रिका कोशिका, गुलाब का पौधा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति कौन बदल लेता है, तो अगर देखा जाए तो सुईमुई का पौधा जो होता है वो बदल लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि पादपों में कोशिकाओं के लंबी होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन होता है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या एब्सेसिक अम्ल, ठीक है। तो कौन सा होता है, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन कोशिकाओं के लंबी होने के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन अगला कि पौधों में वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण बताइए, एब्सेसिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एब्सेसिक अम्ल, ठीक है। ये क्या काम करता है, संदमन करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, यह अग्न्याशय से उत्पन्न होता है, ये तो सही है। अगला क्या है, यह शरीर की वृद्धि और उसमें परिवर्धन के विकास का नियमन करता है, यही गलत है। अगला, यह रुधिर में शर्करा की मात्रा को भी नियंत्रित करता है, इंसुलिन के अपर्याप्त स्राव से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो इसका आंसर होगा, यानी गलत कथन है। चलिए अगला है कि मटर के पौधों में प्रतान की वृद्धि करके किसके कारण होती है, प्रकाश के प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर हटती हैं, प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब के संपर्क में रहती हैं। तो इसमें आंसर नंबर सी, प्रतान के उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती हैं, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेड्यूला या मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा या फिर मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनुमस्तिष्क निम्न में से कौन सा कार्य करता है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह आवश्यक प्रतिवर्त केंद्रों का नियंत्रण करता है, यह सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यह हमारी भावनाओं, इच्छा शक्ति एवं वाक शक्ति को नियंत्रित करने का काम करता है। तो देखिए, अनुमस्तिष्क का कार्य होता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखना, ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो दोस्तों ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एक लाइक आपसे बनती है, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसे लगी। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो उस क्वेश्चन का नंबर ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को फिर से अगली क्लास में रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और जाते जाते आप सभी को ये बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। ओके, अब लेता हूँ आप अलविदा, मिलूँगा अगली 8:30 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।